లోక్ సభ శీతాకాల సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి లైవ్ ద్వారా చూద్దాం मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मामले महत्वपूर्ण है तथा उनके लिए आज की कार्रवाई में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। मैंने सभी स्थगन प्रस्ताव को अनुमति किसी को भी नहीं दी। December 2018.
item number 12. Madam Speaker, I rise to move the following, that this House do agree with the 57th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 30th December 2018. The question is that the House do agree with the 57th report of the Business Advisory Committee to the House on 13th December. Those in favour may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the report is there. Bill to be introduced. Bill, you have to introduce the bill. Ye madam. कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी इस सदन से क्षमा मांगे और समस्त देशवासियों से क्षमा मांगे, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को धूमिल करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट का आज जजमेंट आज आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में अध्यक्ष महोदया कहा है, इट इज ए फाइनेंशियल एडवांटेज टू द नेशन, और यह भी कहा है इसमें कहीं भी टेक्निकल कैपेबिलिटी पर भी कोई सवाल राफेल डील के मामले में खड़ा नहीं किया जा सकता, गुणवत्ता के मामले में भी कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, और खरीद की प्रक्रिया में भी कहीं पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, यह बात तीन जनों की बेंच ने कही है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदया, कांग्रेस ने बराबर अपनी तरफ से कोशिश की, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे हैं, यहां तक कि इनके शासनकाल में मंत्रियों को जेल की हवा तक खामी पड़ी है, तो इन्होंने सोचा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, शायद इसी सोच के आधार पर उन्होंने इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है, और सरकार को बदनाम करके अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदया, मैं यह मांग करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दोनों सदन में आकर यहां पर जो है सदन से क्षमा मांगे, देशवासियों से क्षमा मांगे। If you want, you can ask. आप सीट पे जाओ तो बात करो।
and not like this, not like this. I'm sorry. The House stands adjourned to meet again on Monday, the 17th December 2018 at 11 a.m. No, you go to your seat then only.